राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर वीडियो जारी कर साधा निशाना। बोले, एक आदमी की छवि चमकाने के लिए जुटी सारी एजेंसियां। भाजपा का पलटवार, संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी खुद को बार बार कर रहे हैं लॉन्च करने का प्रयास, फिर भी नहीं हो रहे सफल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिलने का रास्ता हुआ साफ। अब महिला अफसर भी सेना में पा सकेंगे स्थायी कमीशन। रक्षा मंत्रालय ने कार्यवाही को दी मंजूरी। कोरोना वैक्सीन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का बड़ा बयान, दिसंबर तक किसी भी देश को नहीं मिल पाएगी वैक्सीन। कोरोना मरीजों की उम्मीदों पर फिरा पानी। कई कंपनियों ने कर रखी है सितंबर तक वैक्सीन लॉन्च करने की तैयारी। बिहार के पटना में एम्स हॉस्पिटल की नर्सों का वेतन वृद्धि को लेकर काम बंद आंदोलन। कोरोना काल में नर्सों की हड़ताल से मुश्किल में फंसे मरीज, मांगों को लेकर सरकार से नहीं बन रही बात, अस्पताल में नहीं मिल रही सेवाएं। सर, ऐसे तो हमारी 6 सूत्री मांग है, लेकिन 6 सूत्री मांग में सबसे हमारा जो पहला डिमांड है कि हम यहाँ पे 3 से 4 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें भी एम्स का अंग मान करके हमको एम्स के जैसा, जैसे एम्स के एम्प्लॉय को जैसे हमको मान्यता दिया जाता है, उसी तरह से हमको भी मान्यता दिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको पूरी तरह से परमानेंट करो, लेकिन जो भी है हमको भी मान्यता मिलना चाहिए एम्स के स्टाफ के जैसे। कोरोना के इस महामारी काल के अंदर कहना सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहना परिवार से दूर हैं, 2-2 साल कहना 6 महीने से कहना घर नहीं गए हैं लोग, 8 महीने से कई लोग घर नहीं गए हैं, सब लोग कहना घर पे कहना वीडियो कॉलिंग से बात कर रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच में कहना सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं, सब लोग इतना मतलब अपने मेहनत से कहना मतलब सब कहना पेशेंट को ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कहना हमारी जॉब का कोई फिक्सेशन नहीं है। कहना हो सकता है कहना कोरोना कहना ये काल खत्म होती है कहना सभी को कहना यहाँ से निकाल दिया जाए, बिकॉज क्योंकि सभी कहना आउटसोर्स कर्मचारी हैं, बाहर से कहना कंपनी के थ्रू कहना सभी हैं, वेदी कंपनी के थ्रू हैं ये लोग, हो सकता है इनको कभी भी कहना बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए सब लोगों को ये डर बना हुआ है अभी इस कोरोना महामारी के अंदर। कहना ये सब लोग जॉब कर रहे हैं, किसी को इन्फेक्टेड हो जाता है, किसी को कहना कोई भी कहना भाई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ना कहना जॉब में कहना कोई पैसा ज़्यादा है, अभी किसी को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली क्या करेगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया पटना के NMCH अस्पताल का औचक निरीक्षण। जनता से मिल रही लगातार शिकायतों के बाद किया दौरा। खुद PPE किट पहनकर कोरोना वार्ड में मरीजों का जाना हाल। चिकित्सा सुविधाओं का भी लिया जायजा। उसी के आलोक में हम सब लोग लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं, और आज मैं उसी लिए कह रहा हूं कि अब जो सारी व्यवस्थाएं बनी है उसमें 2 से 3 घंटे के अंदर यदि किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है तो जो उसका प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के सारे एहतियात को बरतते हुए, सारी कार्रवाई को करते हुए उसको उनके परिवार तक सौंप के फिर समुचित जगह पर भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। उत्तराखंड के कालागढ़ में नदी से गांव के अंदर पहुंचा अजगर। परिसर में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंचे वन विभाग अधिकारी भी नहीं हुए सफल। तालाब में छिपा सांप, नागरिक हैरान। कल फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि मॉर्निंग वेल्स एकेडमी के पास एक विशाल का अजगर पानी के गड्ढे में घुस गया है और उसे स्थानीय नागरिकों ने चारों तरफ से घेर लिया है। फोन पर सूचना मिलते ही मैं और वन विभाग की हमारी टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे के मुश्किल रेस्क्यू के साथ अजगर सांप को पकड़ के कालागढ़ के गड्ढे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों में पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी। मानधाता सीट से विधायक नारायण पटेल ने भी विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। भाजपा में हुए शामिल, 12 दिनों में कांग्रेस छोड़ने वाले तीसरे MLA। महाराष्ट्र में नासिक की लासलगांव मंडी से बांग्लादेश के लिए प्याज की बड़ी खेप रवाना। कोरोना लॉकडाउन के चलते ठप था प्याज का निर्यात। एक्सपोर्ट शुरू होने से प्याज उत्पादक किसानों ने जताई खुशी। फसल की सही कीमत मिलने की उम्मीद। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में फिर दिखी दरार। शिवसेना कोटे के मंत्री नितिन राउत द्वारा की गई नियुक्तियों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राजस्व मंत्री बाला साहब थोरात बोले, 3 पार्टियों की है सरकार, बिना सहमति के हुई नियुक्ति करेंगे रद्द। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के खिलाफ शिवसेना का महाराष्ट्र में राज्यव्यापी आंदोलन। BJP सांसद उदयन राजे भोसले के छत्रपति शिवाजी के उद्घोष पर आपत्ति जताने के विरोध में प्रदर्शन। शिवसेना ने कहा, महाराष्ट्र और छत्रपति का अपमान बर्दाश्त नहीं। भाजपा सांसद बोले, जो हुआ ही नहीं उसे लेकर न करें राजनीति।